रोलिंग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एजाज खान और आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। एजाज सर, आज किस फिल्म की शूट हो रही थी और बड़ा एक रोमांचक सीन आप कर रहे थे? ये फिल्म का नाम है तुझे सलाम इंडिया। जिस तरह से हम सब झुक के इंडिया को सलाम करते हैं, मैं भी करता हूँ। और इस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म के दो प्रोड्यूसर वो कश्मीरी है और वो फिल्म बना रहे हैं तुझे सलाम इंडिया। अरबाज और सलमान भट्ट दोनों हिंदुस्तान से इतना प्यार करते हैं कि उस पर एक स्क्रिप्ट उन्होंने चूज़ की। जो डायरेक्टर हमारा अभी है, उसने प्रकाश झा के असिस्टेंट रह चुके हैं, वो कई फिल्मों को असिस्ट कर चुके हैं, तो उनकी ये पहली फिल्म है। तो जब वो मेरे पास गोविंदा का रोल लेके आया कि एक पैट्रियोटिक स्ट्रगलिंग एक्टर है और कहीं ना कहीं मुझसे क्लोज भी है वो रोल, और मैं भी बहुत पैट्रियोटिक हूँ और अंदर से बहुत मेरे अंदर भी मेरा खून खौलता है कि मेरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, गाय और बकरों में बांटा जा रहा है, हाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोकल ट्रेन ठीक से चलती नहीं है और बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है। आप ऐसा कुछ, एक लाइन भी, एक बहुत बेहतरीन लाइन थी जो हम लोगों ने सुनी अंदर, तो वो क्या लाइन थी? नहीं, इसमें यह है कि हमारे दोस्त को सीएम का बेटा मार देता है और पीएम उसको मिलके उसे बचा लेता है। तो उससे फिर हम एक टॉक शो में बैठे हैं जहाँ पे हम कहते हैं उससे कि ए सियासत, तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं और मेरी भी तेरी कुछ से दुश्मनी नहीं। ए सियासत, मेरी कोई तुझसे दुश्मनी नहीं, लेकिन ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, उस कातिल के हाथ में मेरा वतन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये डायलॉग वहाँ बोल रहा था, तो थोड़ा सा गुस्सा मुझे आ जाता है, मैं जलाल में आ जाता हूँ, क्योंकि हमको, हमारा देश यंगिस्तान है। यंगिस्तान मतलब हिंदुस्तान में 70% जनता जो है वो यंग है, पूरी दुनिया के लोग इनसे डरते हैं। तो पहले इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया गया अंग्रेज़ों ने, फिर उन्होंने एक और चीज़ छोड़ दी यहाँ पे कि इन्हें हिंदू मुसलमान में बांट दो, तो हम हिंदू मुसलमान में बट गए। जिस तरह से मैंने कहा, गाय और बकरों में बट गए हम लोग। यहाँ पे इंसान की कीमत कम है और दूसरी चीज़ों की कीमत ज़्यादा है। हम हिंदुस्तानी नहीं बनते, हम ये कहेंगे मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं फलाना, मैं ढिमका, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मैं आई एम इंडियन। हम लंदन शूट करते हैं तो उन लोग कहते हैं हम ब्रिटिशर, हम अमेरिका जाते हैं वो लोग कहते हैं हम अमेरिकन, चाइना वाले कहते हैं आई एम चाइनीज, आई एम ऑस्ट्रेलियन, बट हम लोग को पूछो आप कौन, बोले मैं मराठी, आप कौन, मैं पंजाबी, आप कौन, मैं बांग्लादेशी, आप कौन, मैं ये, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमका। अभी कलर्स का शो बिग बॉस जो है वो भी चालू हो गया है, नेक्स्ट सीजन आ गया, क्या कैसा है? आपको नहीं लगा यार इस बार मुझे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? मैंने भी, मेरा एक दोस्त गया है लकीर का फकीर का डायरेक्टर जुबैर, अच्छा लड़का है, अभी अंदर पता नहीं उसको क्या हो गया और क्या हो रहा है उसके साथ, पर डायरेक्टर वो अच्छा है और इंसान भी अच्छा है। लाइफ में बहुत दुखी है, उसके बच्चे उससे दूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं बिग बॉस में मेरी आत्मा, मेरी शख्सियत आ ही जाती है। मेरी फिल्म के पोस्टर दिखाए गए वहाँ पे और लकीर का फकीर में से बात किया गया और जो भी आता है उसमें से दो चार मेरे फैन ही आ जाते हैं आके, फिर वही बाय। हाँ भाई, इसके पहले बिग बॉस में ये भाई कभी नहीं हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो। इससे पहले बिग बॉस में कभी हाय भाई ये बाद में आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे, अच्छा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बिग बॉस जाना जाता है सिर्फ दो ही लोगों के लिए, या तो एजाज खान या तो सलमान खान, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी भाग लिया लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं, जो जीत भी चुके और लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं। वो कहते हैं ना कि बोले तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के होते हैं, वही सीन है। अल्लाह ने इज्जत बख्शी है और मेरे दोस्तों ने, मेरे यारों ने मुझे प्यार दिया है, मेरे फैंस ने मुझे, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम अच्छाई बुराई को दिखाने नहीं गए हो। अच्छाई तुम्हारे अंदर है तो वो दिख जाएगी, तुम्हें लोगों को एंटरटेन करना है, लोग तुम्हें देख रहे हैं। और हमारा सीजन तो 24 आवर्स दिख रहा था, 24 घंटा एक ही सीजन था जिसको उन्होंने 24 घंटा लाइव किया था। अब वो आ नहीं सकता, बिग बॉस 7 सीरीज वो शोले है, जिस तरह शोले और मुगले आजम नहीं बन सकती, उस तरह बिग बॉस 7 कभी वापस नहीं आ सकता और ना ऐसा एंटरटेनमेंट हो सकता है। अभी मैंने देखा कुछ लोग अच्छे एंटरटेनर है, अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा,
पर अभी वक्त नहीं मिल पाता है देखने का, तो नेट पे देख लेते क्या हुआ क्या नहीं। पर यार सलमान खान इज द बेस्ट होस्ट एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में भाई के साथ को होस्ट करने का जो मजा आएगा ना, या तो मुझे मॉनिटर बना के अंदर भेज देना अभी, तो मैं इन लोग की ऐसी लगा दूं ना, सलमान खान का मॉनिटर आया है बोले बेटा। और बिग बॉस की याद तो मुझे आती है, बिग बॉस मेरी दूसरी बीवी है, मतलब मैं जितना अपनी बीवी से प्यार करता हूँ डरता हूँ, उतना मैंने बिग बॉस से डरा हूँ और प्यार भी किया हूँ। लेकिन बिग बॉस भी मेरी बीवी की तरह है। शो में क्या आप जाएंगे? ऑफ कोर्स जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं पूरी जगन्नाथ का शूटिंग कर रहा था, पर अगर सलमान भाई बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं, व्हाई नॉट यार, आई लव हिम यार, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, मैं उनका फैन तो हूँ। देखो भाई, हम फैन लोग गुस्सा भी होते हैं, मैं उनका भाई भी हूँ, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं उनको बोलूंगा भी, आई एम सेम लाइक भाई, क्या है सलमान भाई, क्या है, वही तो है, अपने दिल के जज्बातों को दुनिया के सामने दिखा देते हैं वो। मुझे कोई चीज़ बुरी लगेगी मैं कहूँगा, और अच्छी लगेगी तो भी वो भी कहूँगा मैं। आने वाली अपकमिंग फिल्में, अभी एक हालिया में एक पोस्टर बहुत चर्चे में आया, भाईजान फिल्म। हाँ, एक मैं पहली मेरी इंडो गुजराती फिल्म है ये, कि गुजराती और हिंदी दोनों में बन रही है, फिल्म का नाम है भाईजान और अच्छा टाइटल मिला है मुझे भाईजान। और एक फिल्म मेरी और आ रही है झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, और एक और फिल्म अभी शादाब सिद्दीकी के साथ मैंने साइन किया हूँ और उसका फोटोशूट किया हूँ, मुजाहिद द विक्टम। तो अच्छी अच्छे सब्जेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, छोटी फिल्में आ रही लेकिन अच्छी फिल्में आ रही है। यू नो लकीर का फकीर यार, मेरी जितनी भी फिल्में थी वो, देखो फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती है, फिल्म अच्छी बुरी होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी फिल्में मेरे पास आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ इसमें। फिल्म जुड़वा 2 के बारे में क्या ख्याल, आपने क्या फिल्म देखी? मुझे जुड़वा 1 ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे बेटे को जुड़वा 2 ज़्यादा अच्छी लगी, तो मतलब यू नो ज़माना बदल गया है। जब हम छोटे थे तो हमें जुड़वा अच्छी लगी थी, अब मेरा बेटा छोटा है तो उन्हें जुड़वा अच्छी लग रही है। तो जुड़वा फिल्म में वरुण धवन ने अच्छा काम किया है, मुझसे मिला भी था वरुण, एंड वी हैव दैट टाइम टॉक के, वो एक टपोरी का किरदार कर रहे हैं उसमें, उन्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिक्शन, थोड़ा ये वो, तो जितना मुझसे हो सका उस 2-4 घंटे की मीटिंग में मैंने उनसे बताया और उन्होंने उसको बड़ी बाखूबी निभाया, बहुत अच्छे से किया है। एंड इज़ अ फैबुलस एक्टर यार, मतलब हर किरदार को वो, जिस दिन उसने वो किया था श्रीराम राघवन की फिल्म, उस दिन मैंने मतलब मैं वरुण का ये समझ लो कि आशिक हो गया था, कि एक सॉफ्ट बॉय लड़का एक दाढ़ी वाड़ी रख के अपनी पहली फिल्म के बाद वो फिल्म किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। जुड़वा में भी बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक सलमान खान को कोई जुड़वा कर सकता था तो अभी के स्लॉट में वरुण ही था, अच्छा वो इन्होंने शाहिद को नहीं ले लिया। क्या कहना चाहेंगे वो अपने दर्शकों के लिए लास्ट में? बस मैं यही कहूंगा दर्शकों के लिए कि हमने उनकी याद में आंसुओं के घड़े भर दिए और वो बेवफा ऐसे निकले कि नहा के चल दिए, और एक और आया है अभी छून लेना, नहीं तो क्या होगा कि चिंता ने कहा चिता से कि तू मुर्दों को जलाती है और मैं जिंदों को जलाती हूं, समझे। और हाँ एक और चीज कह दूं कि हम बावफा थे इसीलिए यहां रह गए, शायद उन्हें तलाश किसी मुजाहिद की थी। थैंक यू सर। ये बॉम्बे है और बॉम्बे एक आर्थिक सिटी है हिंदुस्तान का, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है हेलीकॉप्टर में। देखिए मैं कहूँगा कि इस चीज में मैं पता नहीं उद्धव ठाकरे का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ को बहुत पहले कहा था कि ये वाला ब्रिज जो है एल्फिस्टन का, ये एक ऐसा ब्रिज है जो कभी भी गिर जाएगा, हिलने लगेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ब्रिज गिरने वाला है, उसमें कहीं भागदड़ मच जाएगी और कुछ हो सकता है। और वैसा ही हुआ कि ब्रिज हिलने से किसी 2-4 लोगों को लगा कि ब्रिज गिरने वाला है, और उस चक्कर में सारे लोग भाग दौड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और 35 लोगों की जान चली गई। देखो क्या हो रहा है कि अब हिंदुस्तान का खून पानी होते जा रहा है, हिंदुस्तान के लोगों का खून पानी होते जा रहा है, कि 60 बच्चे मर गए, 35 ये लोग मर गए, और भी यात्रा में लोग मर गए, यहाँ पे पहलू खान जैसे 10 लोगों को मार दिया जाता है और उसके बाद लोग निर्दोष छूट जाते हैं। तो हमारे देश में जो माहौल है, इस माहौल का नाम मैं क्या रखूँ मुझे खुद नहीं पता है।
कि अब क्या हो गया है मेरे देश को कि आप लोग देख रहे हैं कि हर टॉपिक को लोग एक दिन दो दिन में भुला देते हैं और नया इंतजार करते हैं कि अब नए कितने लोग मरेंगे, चलो वहाँ 60 बच्चे मर गए, यहाँ 35 लोग मर गए, अभी और कितने मरेंगे। लेकिन ये कह दूं कि इनमें से कोई ना कोई आपकी फैमिली में से जब होगा ना, तब आपको पता चलेगा। कहते हैं ना कि जब अपने घर में आग लगती है ना, तब पता चलता है, वरना पड़ोसियों के घर में तो आग लगती है तो आदमी रोटी सेक लेता है। याद रखना, हम हिंदुस्तानी नहीं बदले तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। अल्लाह हाफिज। सर, बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई, ये बुलेट ट्रेन इसलिए आ रही है कि जो बुलेट्स दुर्गेश के सीने में उतारी गई थी, जो बुलेट रिपोर्टरों को मारा जा रहा है, जो बुलेट हमारी गरीबियों पे चलाई जा रही है, हमारे गरीबों पे चलाई जा रही है, हमारे लोगों पे चलाई जा रही है, उसको, अरे भाई लोकल तो ठीक से चलती नहीं है, बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी यार। ये झूठे सपने दिखाना बंद करो। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे भाई। अब 100 साल हिंदुस्तान पीछे हो गया है, अब 2019 में देखना क्या होता है। अवनीश भाई, आपकी फिल्म है तुझे सलाम इंडिया का शूट चल रहा है, आपके दोनों प्रोड्यूसर भी साथ में बैठे हुए हैं, सलमान भट्ट, अरबाज भट्ट, और ये पहली बार हो रहा है एक पैट्रियोटिक फिल्म बन रही है और कोई कश्मीरी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इतना बड़ा अचीवमेंट आपने कैसे रिसीव किया? सर, ये तो फिल्म है और फिल्म तो एक फिल्म होती है, और ऐसी फिल्म तो बनानी ही थी, और ये सच बोला आपने, ये अपनी पहली फिल्म है, तो सोचा कि पहली फिल्म है तो कुछ पेट्रियोटिक से ही स्टार्ट किया जाए, देश के नाम से ही स्टार्ट किया जाए। उसके बाद करने को तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपने पास स्क्रिप्ट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड टू डू अ पेट्रियोटिक फिल्म, और क्योंकि ये अभी हम लोग यूथ हैं, तो यूथ होने के नाते कंट्री को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी यूथ हैं उनका क्या एक मेंटेलिटी होना चाहिए, देश के प्रति उनका क्या जवाबदेह होना चाहिए, कैसे वो देश के प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। तो हम इस फिल्म के तरफ से ये मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे, दैट्स वाई वी आर मेकिंग ए पेट्रियोटिक फिल्म, टाइटल्ड है तुझे सलाम इंडिया। और ये प्रोड्यूसर हमारे अरबाज भट्ट, बेसिकली ही बिलोंग्स फ्रॉम श्रीनगर, ये श्रीनगर से फिर भी ये पेट्रियोटिक फिल्म बना रहे हैं, तुझे सलाम इंडिया। अब इन्होंने तो अपनी देशभक्ति दिखलाई कि कश्मीर भी देशभक्त हैं इस मामले में, तो अब ऑडियंस बतलाएगी उनकी कितनी देशभक्ति है, ये फिल्म कैसे देखने जाते हैं, कितने लोग देखने जाते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी मेहनत तो खूब चल रहे हैं, आर्या भाई हैं, आर्य बब्बर हैं, एजाज खान हैं, सब अपने अच्छे अच्छे एक्टर हैं और अच्छी शूटिंग चल रही है। सबसे पहले तो अरबाज भाई, आप क्योंकि आजकल मसाला फिल्मों का दौर काफ़ी हो गया, मसाला फिल्में बन रही है, और आपने एक देशभक्ति फिल्म बनाने की सोची, क्योंकि हमेशा क्या होता है ऐसी देशभक्ति या तो बड़े लोगों की चलती, छोटे लोग तो हमेशा मार खा जाते हैं, तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया इतने सारे पैसे लगा के? नहीं, जो ये एक स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, तो ये बेसिक 4 फ्रेंड्स पे है, और इसमें हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको हमने इसमें रखा है, क्योंकि एक यूनियन हमने बनाई है, एक यूनियन इसमें हमने दिखाई कि आगे कैसे इंसान जाके एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। एक इसमें एक मैसेज है कि हम सब को एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के काम आना चाहिए, तो ये फिल्म बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह सब लोग इसको देखने जाएंगे। और वैसे भी हमने सोचा कि अगर मसाले फिल्मों का दौर चल रहा है, लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, कॉमेडी बना रहे हैं, बट हमने सोचा पैसे, मनी इज़ द सेकेंडरी फैक्टर, अगर हम समाज को कुछ देते हैं, कुछ मैसेज देते हैं जिससे समाज बदलता है और मतलब सक्सेस की ओर चलता है, तो वो दैट विल बेटर फॉर अस। और प्राइमरी फैक्टर तो एक ह्यूमन बींग्स के लिए यही होना चाहिए कि समाज का कल्याण हो, कुछ देश का कल्याण हो और देश आगे जाए। सो मसाला फिल्मों से बढ़कर हमारे लिए ये है, चाहे ये बिजनेस के व्यू से सही रहे या नहीं रहे, बट अपने हार्ट को ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं, हम लोग कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे मैसेज दे रहे हैं देश को। सलमान भाई, आपकी पहली फिल्म है, आप कश्मीर से हैं, आजकल कश्मीर में आपके नाम के बड़े चर्चे हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? पहली फिल्म, आप स्टार बन गए। फिल्म हर एक के लिए पहली होती है, पहले से सब स्टार्ट करते हैं, और माशाल्लाह इसमें डायरेक्टर साहब ने मुझे चुन लिया और दे दिया इतना बड़ा रोल डेविड का, और वो रोल मैं इंशाल्लाह बखूबी से निभा रहा हूँ, और सर गाइड कर रहे हैं, बाकी जो सीनियर आर्टिस्ट है वो भी गाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे अच्छा परफॉर्म दे दूँगा, अल्लाह ने और मौका दे दिया तो और अच्छे से आ जाऊँगा।
कश्मीर के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से? कश्मीर के लिए भी और ऑल ओवर इंडिया के लिए भी कि हमने फिल्म बनाई है, है तुझे सलाम इंडिया, अब आप लोग प्यार दिखाओ हमें। कैसे आप प्यार दिखाओगे, कैसे इस फिल्म को पेश आप अपने देखने से करोगे? बाकी हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और सारा जो इसमें जितने भी कलाकार है सब मेहनत कर रहे हैं, डे नाइट वर्क कर रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनाने की।